घाट पर चलाना बड़नगर कोरोना वायरस से बचाव के चलते उज्जैन जिला कलेक्टर शशांक मिश्र ने उज्जैन जिले में 23 मार्च से 25 मार्च रात 12 बजे तक लॉकडाउन एवं जिले की राजस्व सीमा पर बाहरी आवाजाही पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके चलते बड़नगर तहसील के भाट पचलाना, रुनिजा, खरसोद, कला आदि ग्रामों में लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जरूरी खाद्यान्न सामग्री, दूध, सब्जी एवं मेडिकल स्टोर के अलावा संपूर्ण बाजार बंद है। स्थानीय पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग करके आम जनता को अपने घरों में रहने की अपील की जा रही है, फिर भी लॉकडाउन व जिला कलेक्टर के आदेश की अवहेलना देखने को मिल रही है और गांव के नागरिक कहीं न कहीं इसको गंभीरता से लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। आम लोगों को चौराहे पर आसानी से देखा जा रहा है। बाहरी जिलों के वाहनों की आवाजाही भी जारी है, जबकि जिला कलेक्टर ने बाहरी जिलों से वाहनों का आना पूर्णतः प्रतिबंधित के आदेश दिए हैं। कहीं न कहीं जिला कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना होती दिखाई दे रही है। अब देखना ही होगा कि क्या स्थानीय पुलिस प्रशासन इसको रोकने में सफल होता है या नहीं। जैसा कि कोरोना के चलते जिला कलेक्टर ने लॉकडाउन के आदेश दिए हैं जिले भर और आसपास की जो बाहरी सीमाओं से भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, उसको लेकर भाट पचलाना पुलिस द्वारा क्या संदेश है जनता के लिए और क्या कार्रवाई इसमें की जा रही है? हम लोगों के द्वारा बराबर जो है पेट्रोलिंग करके और जनता को समझाइश दी जा रही है। और जो हमारा बॉर्डर पड़ता है रुनिजा पे जो है चेकिंग पॉइंट लगा दिया है कि कोई भी वाहन न तो इधर से जाएगा न उधर से आएगा, सीमा बिल्कुल सील कर दी है। और दूसरा जो है आवश्यक वस्तुएं हैं वो उनकी दुकानें खुली रहेंगी, बाकी सारा बाजार जो है बंद करा दिया है और बंद है। जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। सर, इस पर अगर किसी के द्वारा कोई उल्लंघन किया जाता है लॉकडाउन का, तो क्या उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी? पहले तो उसको समझाइश देंगे, अगर समझाइश से नहीं मानता है तो फिर जो कानूनी प्रावधान होगा उसकी कार्रवाई।